से सुनने के चक्कर में, अरे सुनाने के चक्कर में नहीं रहा करो, सुनाने के तो ऐसा है कितना भी दे दो तो भी कम है। लड़कों वालों की स्थिति है आजकल, एक लड़कियां कम है इसलिए थोड़ी समस्या नहीं आ रही, लड़कियां कम है इसलिए, और जिस दिन ज्यादा हो जाएंगी ना उस दिन फिर वही स्थिति बनेगी पहले जैसे, क्योंकि बहुत इसका प्रचार हो गया। आज लड़की अपन भले भूणत्ता का दिखाते हैं, अब भूणत्ता दिखाने की लड़कियों की भूणत्ता, भूणत्ता दिखाएं अच्छी बात है, पर लड़कियों कन्या भूणत्ता बोलते हैं, पर कन्या भूणत्ता नहीं, मात्र सामान बोले भूणत्ता। आज लड़की वाले लड़की नहीं गिराते, लड़का भले गिरा दे, लड़के भले लड़की जब चेकअप नहीं कराते, लड़का हो तो भले चेकअप, लड़का तो करो, लड़की हो तो एक दो हो गई बस टेंशन फ्री। अब लड़का में सोचते हैं लड़का कहाँ करेंगे, क्या होगा, इनकी शादी करके फिर इनको मकान बनाना पड़ेगा, इनको व्यापार करना पड़ेगा, इनको ऐसा करना पड़ेगा, और लड़के तो मेरे यहाँ टेंशन फ्री, दस दस बीस बीस लाख देने वाले बैठे हैं, क्या बड़े बड़े लोग लेते हैं, पर गरीब लोग कई बार ऐसी बनते थे बोले नहीं लेना। और सच में ध्यान रखना, लड़की तुम्हारी कोई बेचने वाली सामग्री नहीं, कभी भी नोट कर, यहाँ की बात नहीं करूँ, जो जो मेरे प्रचन सुनते हैं उनके लिए भी है, कई बार ऐसी राजस्थान में देखा है मैंने, लड़कियों की कमी है, दस दस बीस बीस लाख अटैची में रख के रखे हैं, है? अच्छा एक्सपोर्ट कर लिया कहीं से ले आओ, अब तो ले आओ, दस दस लाख बीस बीस लाख सामान की मिल जाए, बीस बीस लाख, वैसे तो दो चार लाख मिल जाती है वो बिहार उड़ीसा बंगाल आदि की, बंगाल बिहार उड़ीसा में दस लाख पांच लाख में आराम से मिल जाती, दलाल खूब घूम रहे इसके, खूब कमाई कर रहे, करोड़पति हो रहे, और कई बार पता चलता है वो आ तो गई, दो पांच महीना रही और जो माल मसाला था बांधा अभी तक नहीं आई, बोले मैं तो पीहर जा रही हूँ। सो लड़का ने सोचा यार लड़की पहली बार जा रही अपनी पीहर जा रही, मेरे ससुराल जा रही, अच्छा ले जा मालाल, जितना जेवरा तेवरा चढ़ाया था, बोले देखो मैं वहाँ दिखाना पड़ेगा, लोग देखेंगे, फिर ऐसी जाऊँगी बिना गहने की, क्या आप भी समझते नहीं हो, क्या समझने का प्रयास तो करो प्लीज। उनने पटा लिया, वो महिला वो लड़कियाँ वैसे पटाने में तो नंबर वन होती हैं, ये पटाने में लोगों को, पति को, पिता को, बाप को, माँ को, किसी को पटाना हो किसी को भी, ऐसा सेट, इतनी बोली, इतनी मधुरता, भले आपस में कुछ हो नवीन जी, आपस में भले कुछ भी हो, पर इनको यदि कोई काम आ जाए ना, इतने प्यार से बोले, इतने प्यार से जैसे बहुत चाहने वाली मिल गई, वही तो कुछ नहीं होता, दिखावा बहुत, इतने मधुर शब्द में, इतने प्रेम से, सच में कई लोग इसलिए परेशान हैं, मीठी मीठी आवाज, छल की आवाज। उन्हें कही अरे अब पूरा जाएंगे, सब लोग देखेंगे, रिश्तेदार भी आएंगे, बेटा तेरा घर अच्छा मिला है, तेरा ससुराल अच्छा मिला है, तो क्या क्या लाई, बता क्या क्या पहना है तेरे, क्या किया, लो ये सोनी, ये सब दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा। उनने सब माल, यहाँ तक कि उनने पति भी खुश हो गया, ले दस बीस हजार और ले जा, ये बढ़िया रहो यार, और लिया माल मसाला जितनी साड़ी आनी सब थी, विश्वास करना 10 दिन की गई, 10 दिन में आ जाना, ये नंबर नंबर तो है आपस में, 10 दिन के बाद ना नंबर मिला ना लड़की मिली, उन माल का माल ले गया, कुछ नहीं बचा इसलिए। और ऐसे भी होते कई बार, ध्यान रखना उनकी जाति पता ही नहीं चलती, कई बार बड़ी बड़ी जातियों में आपसे कहता हूँ जैन समाज में भी आ जाती हैं, और कुछ दिन बात कहती हैं मेरा भोजन अच्छा नहीं हो रहा बहुत दिन से, क्या हो गया, क्या करूँ मेरी आदत थोड़ी मछली खाने की थी वो नहीं मिल पाई, ऐसे दृष्टांत हैं, अंडी नहीं खाई मैंने, इसलिए बाहर वाली की लानी की अपेक्षा मैं कहता हूँ, बाहर वालों की लानी की अपेक्षा अपने लड़कों को ब्रह्मचर्य व्रत दिला दो, वो आराम से साधना करें, पर ऐसी शादी ना करें जिससे परेशानी आए, ऐसी अपेक्षा। बाकी फिर आपका विषय है, आपका लड़का है, आपका परिवार है, आपकी स्थिति है, पर कहने का अर्थ हमारा, क्योंकि संसार के सुख के साथ साथ कुछ प्रभाव का भी सुख देखा करो ना सभी लोग, कभी कभी इस पर्याय के क्रियाओं के साथ साथ अगली पर्याय का भी चिंतन किया करो, ध्यान किया करो कि हम वर्तमान में सुखी रह लेंगे, भविष्य का क्या होगा हमारा, हम भविष्य में, हमें भविष्य की भी चिंता है, एक ही पर्याय थोड़ी हमारी, थोड़ी अंत है, अंतिम होती मान लेते चलो कुछ भी कर लो, जबकि अंतिम वाले तो और विशेष विरक्त रहते हैं, तीर्थंकर अंतिम पर्याय वाले होते हैं नियम से, पर देखो कितने विरक्त, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरयनाथ, 96,000 रानियां फिर भी विरक्त होकर भगवान मोक्ष संयम ग्रहण कर लिया, बाहुबली कामदेव मोक्षगामी थे फिर भी सब चोर छोड़ दिया, भरत चक्रवर्ती सब कुछ विभूति थी, तुम्हारे पास क्या है, इतना सभी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए वर्तमान के साथ साथ अगली पर्याय का भी ध्यान रखा करो। और मैं तो कहता हूं हमेशा जब भी पाप करने जाओ, ध्यान रखना ज्ञानी, जब भी पाप करने जाओ कभी कभी अगली भाव का भी सोच लेना, अभी तो अच्छा लग रहा है, अगली पर्याय में मेरा क्या होगा, क्या
जब कभी चोरी करो, लूटपाट करो, झूठ बोलो, ईर्ष्या करो, राग द्वेष करो, लोभ करो, किसी प्रकार का काम बेकार की पूर्ति करो, ये चिंतन करना, ये तो कर तो रहा हूं, अच्छा लग रहा, पैसा कमा रहा हूं, ये कर रहा हूं, सुख भोग रहा हूं, अगली पर्याय मेरी क्या होगी? दरिद्रियों को देखकर, भिखारियों को देखकर, लंगड़े लूलों को देख करके, अंधों को देख करके, बहरों को देख करके, कुष्ठियों को देख करके, तड़पती हुए लोगों को देख करके, कभी कभी बैरागी लाना है तो हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में जाकर के उन रोगियों को देख करके चिंतन करना कि वास्तव में क्या हालत है। वो भी तो जीव हैं, वो भी तो प्राणी हैं, इनने भी तो कोई ना कोई कर्म किया होगा, तभी तो ऐसा मिल रहा है ना। अपनी आत्मा में लीन हो जाओ, सौ समय कुछ चिंतन करो, एक समय के लिए करो, एक मिनट के लिए करो, मैंने कहा एक मिनट के लिए करो, कम से कम रोज करो। बैठ अकेले दो घड़ी, प्रभु के गुण को गाया कर, मन मंदिर में हो जिया, राज झाड़ू रोज लगाया कर। क्या लगाना? जैसे घर दुकान मकान की हम झाड़ू लगाते हैं, हम घर मकान सफाई कर लेते हैं, दुकान की सफाई कर लेते हैं, कभी सोचा हमने क्या हम अपने मन की सफाई कर रहे हैं कि नहीं? हम शरीर की सफाई में लगे रहते हैं, हम कपड़ों की सफाई में लगे रहते हैं, हम दुकान मकान की सफाई में लगे रहते हैं, ऐसे सोचना कभी हमने मन की सफाई करी क्या? मन को साफ किया क्या? अपनी आत्मा को साफ करने का प्रयास किया क्या? करो, बाहर की जैसे सफाई करते हो, जितनी सफाई विश्वास करना यानी कितनी सफाई रखते हो, कहीं कोई कीचड़ ना लग जाए, कहीं कोई कचरा ना लग जाए, कहीं शरीर में कुछ ना हो जाए, कहीं कीचड़ तो नहीं लगा, तुरंत साफ कर दो। कोई कहते भाई साहब आपकी आंख में कीचड़ लगा छोटा सा, अरे तुरंत मंदिर आना छोड़ देंगे, पहले जाएंगे पानी के पास, आपको तो चल जाए किसी में कोई छोटी सी चिड़िया कोई बीट कर गई या वो कर गई मान लो कुछ, वो कहीं भी जा रहे हो साफ करोगे, उसको चमकाओगे, लगाड़ोगे, बर बिल्कुल घिन नहीं करोगे, पता चल जाए आपके पैर में कुछ गंदगी लग गई, तुरंत सफाई करते हो। हे ज्ञानी, मैं इस सफाई की मना नहीं कर रहा हूं, करो, पर जैसे तुमने थोड़ा सा कीचड़ लगा तुरंत साफ कर लिया, आत्मा में कर्म का कीचड़ लगा उसको साफ करो। जैसे तुम कर शरीर के कीचड़ को धोने के लिए पानी के पास पहुंच जाते हो, ऐसी आत्मा की सफाई के लिए जिनवाणी के पास पहुंचो, वो जिनवाणी को पढ़ो। जैसे हम सफाई के लिए, शरीर की सफाई के लिए बाथरूम में पहुंच जाते हैं, ऐसी आत्मा के साफ के लिए जिनालय में पहुंचो। और जैसे हम यदि हमें गंदगी नहीं दिख रही, जैसे हमें गंदगी नहीं दिख रही तो हमें देखने के लिए दर्पण के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारी चेहरे की गंदगी दूसरा ही बता पाएगा, या तो दर्पण या व्यक्ति। समझ में आ रहा है? हमारी चेहरे की गंदगी चेहरे में लगी है, कौन बता पाएगा? ज्ञानी कौन बता पाएगा? दर्पण बता पाएगा। तो दर्पण में देखते जाते हो, क्या कहीं हमारे बाल तो नहीं बिखरे, कहीं हमारे गाल में कुछ लगा तो नहीं, काजल लगा तो बार बार देख ले, कहीं यहां का वहां तो नहीं हो गया। अरे ज्ञानी, काजल की कालमा को साफ करने के लिए, पहले देखने के लिए, काजल की कालमा को साफ करने के लिए दर्पण के पास पहुंच जाते हैं, और दर्पण में देखते हैं तो लगता है काजल लगा है, कालमा लगी अलग से, तो रूमाल को लेते हैं, साफ करते हैं। जब सामान्य रूमाल से नहीं होता तो कई लोग तो उसमें थूक लगा लेते हैं, महिलाएं, हाँ तुम्हारी कह रहा हूँ, मैं दूसरे की नहीं कह रहा हूँ, महिलाएं थूक, पता कैसे ले भगवान, उसमें थूक जीभ लगाई, और कुछ ज्ञानी लोग नहीं, मैं अपनी आंखों से देख के बता रहा हूँ, बाकी नहीं, तुम्हारी आराव में नहीं देखा, इस अवस्था में नहीं देखा, देखा होगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं देखा होगा पक्का, 100%। रूमाल निकाला, ले आए, मुंह में लगा रही तू क्या इनकी, भगवान जाने सही में। अब समझो, रूमाल लिया, पानी लगाया, और अगर दियो पानी से भी साफ नहीं हुआ तो फिर फेस वॉश, फोस्ट कब, हम नहीं जानते, फेस वॉश मतलब चेहरे में लगाने वाला, अथवा साबुन,
लगा के रगड़ के धोते हैं। ज्ञानी, जैसे दर्पण में पहले नंबर जब दर्पण चेहरे में गलमा होती है तो देखने के लिए दर्पण में जाते हैं, फिर रूमाल निकाल के उसको साफ करने का प्रयास करते हैं, फिर नहीं होता तो पानी लगाते हैं और पानी से नहीं होता तो साबुन से साफ करते हैं। हे ज्ञानी, आत्मा रूपी चेहरे में कर्म की कालमा देखने के लिए गुरु रूपी दर्पण में पहुंच जाओ, दर्पण में देखो और गुरु रूपी दर्पण में देख करके मात्र उनको सुनो देखो नहीं, वो बताते बेटा भक्ति का रूमाल लो उससे साफ करो, उससे साफ ना हो तो जिनवाणी का पानी लगाओ और जिनवाणी का पानी से साफ ना हो तो संयम का साबुन लगाकर आत्मा को शुद्ध कर लो, नहीं तो फिर शुद्ध नहीं हो पाएगा। देख लिया कालमा लगी है और फिर भी कालमा को साफ ना कर पाए तो फिर तो लगी रहे पर कछु नहीं कर पाए, हम तो साफ नहीं करें। हम तो बता दें, मैं तो सोच मेरा तो मैं बता दूंगा कि तुम्हें गंदगी लगी है, देखो भैया तुम्हारा बाल बिखरो है, देखो भैया तुम्हें काजल लगो है, देखो भैया तुम्हें सफ़ेद कछु लग गए तो दाग सो लगो, देख तेरी आंखों में सुमित काजल लगा, वो काजल नहीं वो कीचड़ लगा, कीचड़ बता दूंगा पर साफ नहीं करूंगा, मेरी भी मर्यादा है। तो कहाँ तक साफ करने में, कहीं कि तुम्हारे साफ करने में तुम साफ ना करो, अब बता दिया आपने तो हम कब साफ कर लेंगे, अब समय पर नाम और खराब होने लगे, सबने ठेका नहीं लो तुम्हें सुधार भी को बता भी को कर्तव्य समझते हैं तो बता देते हैं, बाकी हमने सुधार भी को लाने ठेका तो लो ही नहीं, समझ में आया, बस बता देते हैं भैया ठीक कर लो, कर ले हो तो तुम आओ गाल चमक जे, नहीं करो तो तुम गंदे बने रहो, ऐसे हमने प्रवचन सुनाए तुम और सुधर जे हो तो कल्याण कर ले हो, नहीं तो जाओ जहां जाने हो, समझ में आ रहा हो कछु, बस ऐसो करो तुम तो कछु नहीं कर सकत, पीछे पड़ जाए तो हम ही को तुम आगे पीछे कर दो, और हाँ हम नहीं करते पीछे, ताकि जानो मेरा सूत्र जो है मैं को तो बिल्कुल सूत्र हमेशा, मैं कुछ नहीं करता, बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं कर सकता, वो भी सामने दिख रहा है, इसलिए सामने दिख रहा है भाई साहब तुम्हारे बाल बिखरे हैं ठीक कर लो, भाई साहब को कीचड़ लगा है ठीक कर लो, अच्छा नहीं लगे, बदनामी तुम्हारी हुई है, कैसे हुआ, नाक लगी हो तो घर के लोग क्या कर, बताओ माता हो बच्चों की भी नाक निकल रही हो छोटे बच्चे की तो क्या करती हो, इधर आ सो कछु ना मिलो अपनी साड़ी सब पहुँच दे, साड़ी गंदी कर ली, ये बताओ तुम्हारी तो क्या बताऊँ कहाँ तक सुनाऊँ तुम्हारी, साड़ी पहने रहे वही हाथ लगाऊ तेरे, वही कहो रोटी और बना रही हो कहीं माता हो किचन में कहीं आहार का बना रही हो ना उसी में साड़ी से पहुँच दिया, महाराज घी लगाने की आवश्यकता नहीं यही में लग गाओ क्या करती है माताएं, पसीना आओ उतना पसीना तो साड़ी से पसीना पहुँच ले, तो आटा को आटा गीला ना हो तो वही में गीलो हो जाए पसीने में, माताओं मर्यादा रखो, विवेक रखो, ध्यान ध्यान रखो कहाँ क्या करना है। एक बार मैंने देखा मेरे हार हो गए, मैं बैठा था पेट्रोल पंप में, हार हुआ थे कहीं किसी के, मैं बैठा भैया जी थे एक, तो भैया जी को हार कराने दो तीन महिलाएं थी, तो दो पेड़ महिलाएं बाकी हम लोग यहाँ खड़े थे भक्ति कर रहे थे, हम लोग छुल गए थे हमारे साथ, तुमने शुद्धि का ध्यान रखा कि नहीं तुम जानो, मर्यादा सामग्री चलाई कि नहीं तुम जानो, अच्छे से प्रासुक किया कि नहीं तुम जानो, तुमने कैसे 16:16 का ध्यान रखा कि नहीं तुम जानो, कैसे हाथ लगाए नीचे टेक के उठाती गई माता उठो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नीचे हाथ टेक के उठाओ, कभी भी घर में चौकर लगाओ नीचे हाथ टेक लगाओ, नीचे पैर भी लगते हैं उसी में, तुमने हाथ नहीं धो दे दिए, नीचे पैर लग जाए हाथ लगे आप धो, क्या धो, कहीं हाथ लग जाए शरीर में हाथ धो, फिर उसके बाद आहार दो, शुद्धि बोलो तो मुंह के पास जग रख के कटोरी रख के नहीं, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि थूक शुद्ध है, क्या शुद्ध है आप बोलो, थूक निकलता है थूक चढ़ता है पर पता नहीं चल, दिखता नहीं है, किसी किसी का मोटा निकलता है दिख जाता है, कभी कभी बूंद सी निकलती है थोड़ी सी, और किसी की बारीक बिल्कुल बारीक होता है, आप कभी कपड़ा मास्क लगाओ मास्क और कागज का लगा के देख लो मास्क, घंटा भर लगाओ थोड़ा सा बोलते रहना गीला हो जाएगा, इसका मतलब थूक निकलता है, तो सामग्री देते समय विवेक रखो, दूर रखो सामग्री, ऐसे कर लो तिरछी कर लो, फिर बोलो हमने शुद्धि बुला लिया, मैन तो कहाँ तक देखते रहे, कैसे कपड़े पहने तुम, कैसे पहन के आए, कैसे बदले कैसे नहीं बदले, कई बार नहीं मालूम चलता है, साड़ी आदि तो बदलते आते हैं बाकी अंदर के कपड़े नहीं बदलते, कई बार धोती दुपट्टा बदल देते चड्डी बना नहीं बदलते,
ऐसे भी लोग रहते हो, कई बार तो छींटा मारती हूँ छींटी, ऐसे कपड़े पहने मान लो उन्हें कि जाओ महाराज, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि छींटे मार के शुद्ध है, सब शुद्ध हो गए छींटे मार के। हमारे यहाँ छींटे मार के शुद्धि नहीं चलती, हमारे यहाँ काय की शुद्धि चलती है, मन की शुद्धि चलती है, वचनों की शुद्धि चलती है, भाव से चलती है, पूरी शुद्धि होती है, तब शुद्धि होती है। तो कहने का अर्थ हमारे आचार्य महाराज का ये है कि वास्तव में हमें समझना है कि हम सत्य क्या है, और सत्य को समझ करके आचार्य महाराज हमें बता रहे हैं बहिरंतरप्पभेदं परसंयम भंडदिजणं देहिं परमप्पासक संयम तन भेदं जान गुण ठाड़े। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं बहिरंतरप्पभेदं, बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा के भेद से आत्मा के तीन भेद हैं। भंडते जन्म जनन भगवान ने कहा है किसके अपेक्षा से, परमात्मा सक समयम, परमात्मा ही सो समय है जो अपनी आत्मा में लीन हो गया। देखो यहाँ पर आगे दे रहे हैं कि इनको गुण ठाणे जानो, गुण स्थान की अपेक्षा ही जानो। क्या वैसे हमारे आचार्य ने जो अध्यात्म समय सार याद दिया, उन्होंने कहा छठवें गुण स्थान तक पर समय में, अभी क्योंकि पर्याय में है, पर में है, अंतरात्मा में लीन नहीं है। सातवें गुणस्थान से अंतरात्मा में लीन हो जाते हैं, तो सातवें गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान से अंतरात्मा विशेष रूप से सौ समय में, फिर सौ समय में तेरहवें गुणस्थान, चौदह में भी सौ समय, फिर सौ समय में चौदह में आगे भी सिद्ध परमात्मा सौ समय में लीन हो गए, और फिर वहां परमात्मा माने जाते, इसलिए वहां समय न करके सीधे परमात्मा में। कहने का अर्थ अपनी आत्मा में लीन होने का प्रयास करो, बस क्या करो, चिंतन करो, करो चिंतन। मैं हूं बोलना नहीं, तुम सुनना मात्र और चिंतन करना जाके, मैं हूं कौन, कहां से आया, किस दर पर है जाना, क्या रखा है इसे दुनिया में, साथ किसे ले जाना, क्या खोया क्या पाया, अब तक क्या मुझको है पाना, कैसा है ये रूप सलोना, कब शिव को है जाना।